लाहौर हाईकोर्ट का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि सबसे पहले पेट्रोल का बोहरान कहां पैदा हुआ, जिस पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोल का बोहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मियांवाली वजीर आजम का हल्का है, वजारत पेट्रोलियम ने सिर्फ इसी हल्के में ज्यादा तवज्जो दी। वजीर आजम ने अपने हल्के की वजह से पेट्रोल बोहरान खत्म करने का कहा, यह खराब गवर्नेंस की आला मिसाल है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही है, चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हैं, चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मालूम है मिली भगत से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने आयदा समात पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमिन नहीं, इसलिए इस मामले पर जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं, जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी।